आपको जब तक जरूरत पड़ा तब तक आपने टीचर का इस्तेमाल किया, जब आपकी जरूरत नहीं हुई तो आप टीचर को बिल्कुल बोले कि आप बैठ जाइए। हमारी मांग ये रहेगी, हमें समायोजन आपको तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आंदोलन करना पड़े हम पूरे आंदोलन करेंगे, पूरे जोर शोर से करेंगे। ऐसे बच्चे जो मैट्रिक करके और इंटर करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, वो बच्चे काम में लग जाएंगे, मजदूरी करने लग जाएंगे, आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के भविष्य खिलवाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि कोई 10 वर्षों से इंटरमीडिएट को पढ़ा रहे हैं, कोई 12 साल से पढ़ा रहे हैं। देखिए UGC की जो गाइडलाइन थी उसके द्वारा तो यूनिवर्सिटी में जितने भी इंटर बंद हुए ये सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि आप जो 62 कॉलेज है, 62 कॉलेज है पूरे कोल्हान में, और इतने सारे जो टीचर उसमें लगे हुए थे वो एक बेग बेरोजगार हो गए, जबकि आपके पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। आप 10+2 में समायोजन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, टीचर की कमी है, तो एक बेग आप इतने सालों से 10 साल या 12 साल या 13 साल से जो भी टीचर काम करे आप उसको एक बेग नहीं बैठा सकते। मुझे लगता है वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए और उसके साथ तब जाके आप किसी चीज़ को समायोजन करना चाहिए। आपको जब तक जरूरत पड़ा तब तक आपने टीचर का इस्तेमाल किया, जब आपकी जरूरत नहीं हुई तो आप टीचर को बिल्कुल बोले कि आप बैठ जाइए, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारी मांग ये धरना में हम सरकार से यही मांग करें कि हमें जल्द से जल्द समायोजन किया जाए, ताकि जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं वो बेरोजगारी जैसा समस्या से ना जुड़े। देखिए अभी तक हमने हर जगह गया है, लेकिन हमारी एक प्रयास रहेगी सरकार तक एक आह्वान तो हम देना चाहेंगे और ये बात हम बोलना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि पारा टीचर को भी आप देख रहे हैं जितने अनुबंध है, और इससे पहले अनुबंध की मैंने पहले भी ये बात बोला था कि जो मेडिकल विभाग रहा या फिर बिजली विभाग रहे, जब अनुबंध वाले उनको परमानेंट कर सकते तो आप जब शिक्षा के विभाग में, तो टीचरों को क्यों नहीं करना चाहिए। तो सरकार से हमारी एक अनुरोध है और थोड़ा बहुत भरोसा है कि सरकार शायद कर सकती है। देखिए हमारी जो नियुक्ति हुई थी जेक की प्रक्रिया के तहत हुई थी, क्योंकि जेक अभी बिल्कुल नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा नहीं हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, संगठन एक बोर्ड बैठी थी, इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के दौरान हमारी नियुक्ति हुई थी। और जेक फिलहाल अभी बोलती है कि हम इन टीचरों को नहीं जानते, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो कॉलेज से जो फंड जिनके द्वारा जो पेमेंट दिया जाता है वो अकाउंट 2 में जाया जाता है, जो जेक की अनुमति के द्वारा ही उसको ट्रांसफ़र करके फिर जाके टीचर को पेमेंट किया जाता है। तो जेक पल्ला झाड़ रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत भी है कि जेक इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती है। नहीं, हमारे पास अभी कल हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारी मांग ये रहेगी हमें समायोजन आपको तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आंदोलन करना पड़े हम पूरे आंदोलन करेंगे, पूरे जोर शोर से करेंगे। लगातार आप किसी भी चीज़ को आसानी से हम शांतिपूर्वक ढंग से हम यहाँ धरना दे रहे हैं, हम मांग रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर ग्रुप हम भी धारण करेंगे चीज़ों को चुनने के लिए। राज्य सरकार जो अक्सर जो भी महत्वपूर्ण मतलब जो विभाग है उनको छोड़कर किसी भी विभाग का जो बेरोजगारी हुआ जो भी मतलब समायोजन नहीं कर पाई है, तो लगता है आपका समायोजन हो पाएगा? देखिए राज्य सरकार की अगर बात करिए तो दुर्भाग्य की बात है, 3 साल सरकार ने ये वादा किया था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको मैं निराश नहीं करूँगा और उन्हें हम जल्द से जल्द समायोजन कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 2023 खत्म होने वाली, 24 में चुनाव है, अब देखना हमको सरकार कितना कर सकती है, क्योंकि एक उम्मीद है, अगर देखते हैं कि ये भी सरकार क्या निर्णय लेगी। और परिचय, मेरा नाम है चंदन जायसवाल, मैं LBSM कॉलेज जमशेदपुर से हूँ। इसकी वजह यही है कि राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में आदेश जारी कर दिया गया है आनंद फानंद में कि इंटरमीडिएट की जो ये है शिक्षा है उसको बंद किया जाए और उसको +2 में चलाया जाए, और इसके चलते राज्य में 5,000 शिक्षक और लाखों छात्र छात्राएं जो हैं वो मतलब कि उनका भविष्य खतरे में है।
जिसे लेकर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने मतलब कि पूर्व में वादा किया था चुनाव से पहले कि हम लोग आएंगे तो 90 दिनों के अंदर जितने भी अनुबंधित कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल हैं सबको हम लोग परमानेंट करेंगे, लेकिन अब ये परमानेंट करने की जगह जितने भी कर्मचारी हैं सबको छटनी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोगों ने अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू ने पूर्व में ही लिखित में राजभवन में सचिवालय में मुख्यमंत्री सचिवालय में इसके विरुद्ध में हम लोगों ने दिया था कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन जाती है इंटरमीडिएट की तब तक आप पहले के जैसे चलने दिया जाए, लेकिन उस पर भी अभी तक इन लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिसके चलते मजबूर होकर विवश होकर आज हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा है। यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि हम लोग इंटरमीडिएट को लेकर धरना दे रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा और तमाम स्टूडेंटों को परेशानी दिक्कत या आपके पास भी कॉल आ रहे होंगे कि देखिए इंटरमीडिएट में एडमिशन हो रहा है कि नहीं, तो बहुत से स्टूडेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट में एडमिशन होते थे तो जो फैमिली है उनका आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर भी रहता था पर भी वो पढ़ सकता था और उनको सरकार मदद भी करती थी, मगर एक झटके में ऐसा आया कि इंटरमीडिएट को पूरा तरह से बंद कर दिया गया। अब बोला जा रहा है कि प्लस टू में एडमिशन लो, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार इंटर शिक्षक कर्मचारियों को नहीं करे बेरोजगार और ना होने दे। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इनको, अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप इंटरमीडिएट से हटा रहे हैं तो प्लस टू आपके पास अवेलेबल है, आप उस बिल्डिंग में उनको शिफ्ट कर दिया जाए। आप याद रखिए कि आप आए थे सत्ता में तो आप बोले थे कि मैं 3 साल में नौकरी दूंगा, 5 लाख नौकरी दूंगा। आप उल्टा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सरासर उल्टा कर रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं, हाँ बल्कि 5 लाख घटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2024 नजदीक आ गया है तो आप समझिए, थोड़ा देखिए हिसाब किताब, नहीं तो बराबर हो सकता है। तो आप सरासर उल्टा कर रहे हैं, आप 5 लाख वादा किए थे तो 5 लाख देने का, यहाँ तो आप ले रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध होगा कि आप थोड़ा शिक्षकों पे भी ध्यान दे, थोड़ा छात्रों पे भी ध्यान दे, और यहाँ के ग्रामीण जनता हैं जो एकदम कम से कम पैसे में शिक्षा लेते थे उनको दिया जाए साहब। हम लोग अपने बहुत ज़्यादा, हमारा मांग नहीं है, हमारा मांग बस इतना है कि हमें समायोजित किया जाए। जिस तरह से बच्चों को प्लस टू स्कूल में समायोजित किया जा रहा है तो प्लस टू स्कूल के जो हम लोग पढ़ा रहे थे इंटर में बच्चों को, तो शिक्षक को भी कहीं समायोजित करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि जिस बच्चे जो है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक की पढ़ाई बहुत मुश्किलों से करते हैं, मैट्रिक तक की पढ़ाई बहुत मुश्किलों से करते हैं और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो आते हैं इंटर कॉलेज में, तो कॉलेज में क्या है कि प्रॉपर मतलब बच्चों लोग को सुबह के टाइम में 6 से 10 में क्लास ऑफ हो जाता है, 10 बजे के बाद वो गरीब बच्चे कहीं दूसरी जगह जॉब भी करते हैं, जॉब करते हुए वो अपनी पढ़ाई को प्रॉपर जारी रखते हैं। तो अगर कॉलेज से, अंगीभूत कॉलेज से इंटर की पढ़ाई को हटा दी गई तो ऐसे बच्चे जो मैट्रिक करके और इंटर करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, वो बच्चे काम में लग जाएंगे, मजदूरी करने लग जाएंगे, आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो गरीब है, ये सबको पता है, और यहाँ पर मजदूरी मेहनत करके लोग खाते हैं। और बच्चे आजकल इतने सक्षम हो गए हैं कि बहुत सारे आप मॉल में जाके देखिए जो बच्चे ऐसे हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे जो जाने से पैर छूते हैं, अरे आप बाबू कहाँ मैम क्लास के बाद हम लोग यहाँ ये भी करते जॉब भी करते हैं, हम लोग को कहाँ से। हम लोग बस इतना चाह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर भी ध्यान जाए, जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पाएंगे उनको भी मतलब उनके तरफ भी ध्यान दे सरकार और हम लोगों को समायोजित करें, बस हमारी इतनी मांगे हैं। जी मैं मोहम्मद जावेद अख्तर अंसारी जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर से हूँ। पिछले कई महीनों से इंटरमीडिएट टीचर्स कई जनप्रतिनिधि से मिले, विधायक से मिले, सांसद से मिले, मंत्री से मिले। हम लोगों का ये डिमांड है कि UGC का जो गाइडलाइन आया है डिग्री कॉलेजेस में इंटरमीडिएट नहीं चलेगा, तो हम लोगों का ये डिमांड है कि या तो डिग्री कॉलेज में चले इंटरमीडिएट, क्योंकि हज़ारों बच्चे अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ, गार्जियन बच्चे सब बहुत परेशान हैं, उनका कोई सुन लेने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो टीचर्स, मान लिया अगर इंटरमीडिएट आप हटा रहे हैं वहाँ डिग्री कॉलेज से, तो जितने हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको वो मर्ज किया जाए दूसरे स्कूलों में,
प्लस टू स्कूल में वहाँ पर समायोजन किया जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज गवर्नर हाउस गवर्नर साहब के यहाँ धरना पे बैठे, एक दिवसीय धरना बैठे हैं। हम तमाम छात्र और शिक्षक और शिक्षेत्र कर्मचारियों का ये डिमांड है कि हम लोगों का समायोजन किया जाए, हम लोगों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि कोई 10 वर्षों से इंटरमीडिएट को पढ़ा रहे हैं, कोई 12 साल से पढ़ा रहे हैं, अब अभी बीच में आप ब्रेक लगा करके ये कीजिएगा तो फिर कैसे होगा ये चीज़। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वादा था, चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा भी किया था कि इस तरह के लोगों को हम सर्विस में रखेंगे। तो हम लोगों का ये डिमांड, और शिक्षक शिक्षक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर झारखंड में शिक्षक के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अनदेखी हो रही है, तो बाकी जो दूसरे जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो सर्विस के लिए हैं, तो उनका क्या होता होगा, उनका कितना बुरा हाल होगा जब शिक्षकों के साथ ऐसा हो रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि हम लोगों को समायोजन किया जाए प्लस टू स्कूलों में।